पॉलीइथिलीन या जिसे सामान्यतः पॉलीथीन कहा जाता है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। इसके 16 मिलियन से अधिक सहोदर कार्बनिक यौगिक हैं। उन्हें नाम देना और याद रखना कठिन रहा होगा, है ना? आइए ये जानने के लिए वीडियो देखें और वैज्ञानिकों ने उनका नाम रखने के लिए एक पद्धति कैसे बनाई और उनका स्वयं नामकरण करना सीखे। वर्तमान में रसायनज्ञों को कार्बनिक यौगिकों की लगभग 16 मिलियन स्पीशीज ज्ञात है। जब उन्हें व्यक्तिगत रूप से पहचानने की बात आई तो इस चौंकाने वाली संख्या ने अतीत में बहुत भ्रम पैदा किया। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक रसायनज्ञों के संघ द्वारा एक नाम पद्धति की स्थापना की गई, जिसे IUPAC के रूप में जाना जाता है, जिसका विस्तृत रूप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। IUPAC नियमों के अनुसार किसी कार्बनिक यौगिक को निम्न के संयोजन के रूप में नामित करते हैं: मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न और एक पूर्व लग्न। आइए हम विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में शामिल चरणों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें। हालांकि यह संदर्भ बहुत विस्तृत नहीं है, यह आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को स्पष्ट करने वाले मूलभूत नियमों की एक अंतर्दृष्टि देने के लिए पर्याप्त है। चरण एक, एक मूल शब्द निर्धारित करें। एक मूल शब्द जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सबसे लंबे सतत कार्बन श्रृंखला की पहचान के साथ शुरू होता है, जिसे जनक श्रृंखला कहा जाता है। इसमें मुख्य प्रकारात्मक समूह और कई बंध भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए इस यौगिक में जनक श्रृंखला में 7 कार्बन परमाणु होते हैं और इसलिए यौगिक को एक मूल शब्द दिया जाता है, हेप्ट। कार्बन श्रृंखला की लंबाई के आधार पर मूल शब्द को निम्नानुसार नाम दिया जा सकता है, जैसा कि दिखाया गया है। चरण दो, मूल शब्द में प्राथमिक अनुलग्न जोड़े। प्राथमिक अनुलग्न मूल श्रृंखला में संतृप्तता या असंतृप्तता की उपस्थिति को इंगित करता है। उदाहरण के लिए संतृप्त यौगिक जिसमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होते हैं, इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न एन का उपयोग किया जाता है, जबकि एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक द्विबंध होता है, उसके लिए प्राथमिक अनुलग्न ईन का उपयोग किया जाता है। उन यौगिकों के लिए जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध होता है, प्राथमिक अनुलग्न YNE का उपयोग किया जाता है। इसे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है। तदनुसार यहाँ प्रदर्शित यौगिक का नाम निम्न होगा: Hept-2-in, क्योंकि इसके दूसरे और तीसरे कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध उपस्थित है। चरण तीन, प्राथमिक अनुलग्न में द्वितीयक अनुलग्न को जोड़े। द्वितीयक अनुलग्न कार्बनिक यौगिक में मुख्य का प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह को इंगित करता है और प्राथमिक अनुलग्न के ठीक बाद जोड़ा जाता है। इन प्रकार्यात्मक समूहों के नाम उनके प्रतीकात्मक निरूपण के साथ तालिका ए में दर्शाए गए हैं। आइए IUPAC नियमों के अपने ज्ञान का उपयोग करके इस यौगिक का नाम दें। 7 कार्बन श्रृंखला का एक मूल शब्द हेप्ट होगा, प्राथमिक अनुलग्न एन और जैसा कि COOH इसमें उपस्थित मुख्य प्रकार्यात्मक समूह है, इसका नाम एल्केन के ई को OIC अम्ल से प्रस्थापित करके हेप्टेनोइक अम्ल रखा जाएगा। चूंकि COOH समूह हमेशा श्रृंखला की शुरुआत में होता है, इसलिए इसकी स्थिति का अंकन करना आवश्यक नहीं है। चरण चार, मूल शब्द में पूर्व लग्न जोड़े। कुछ समूहों जैसे प्रतिस्थापियों को पूर्व लग्न के रूप में निरूपित करते हैं और किसी यौगिक के नामकरण में मूल शब्द से पहले रखते हैं। प्रतिस्थापी या तो एल्किल समूह या प्रकार्यात्मक समूह हो सकते हैं। एल्किल समूह, एल्किल समूहों में एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम होता है। इनमें से कुछ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल आदि है। उदाहरण के लिए
इस यौगिक को नाम दिया गया है 6-methylheptanoic अम्ल, जहां एल्किल समूह मेथिल को प्रतिस्थापी समूह या पूर्व लग्न माना जाता है, जबकि कार्बोक्सिल समूह को मुख्य प्रकारात्मक समूह माना जाता है। यहाँ याद रखे, श्रृंखला का अंकन इस तरह से किया जाता है कि मुख्य प्रकारात्मक समूह को निम्नतम संख्या प्राप्त हो, प्रतिस्थापी के रूप में माने जाने वाले प्रकारात्मक समूह। इसे समझने के लिए आइए इस यौगिक का नामकरण करें। इसमें 4 कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है, इसलिए मूल शब्द ब्यूट है। चूंकि केवल कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित होते हैं, इसलिए प्राथमिक अनुलग्न एन है। हालांकि यह यौगिक में 2 प्रकारात्मक समूह OH और Cl है। इन समूहों में से एक को प्राथमिक माना जाता है और इसे अनुलग्न के रूप में नामित किया जाता है, जबकि दूसरा प्रतिस्थापी होता है और इसे पूर्व लग्न के रूप में नामित किया जाता है। इसे निर्धारित करने के लिए प्राथमिकता के क्रम का पालन किया जाता है, जो तालिका बी में दिखाया गया है। चूंकि प्राथमिकता सूची में OH ऊपर है, इसे अनुलग्न के रूप में नामित किया गया है, जबकि Cl समूह जिसे नीचे रखा गया है पूर्व लग्न है। यौगिक को 3-chlorobutane-1-ol नाम दिया गया है। अंत में आइए हम दिए गए यौगिक के नाम के लिए IUPAC नामकरण के 4 चरणों का उपयोग करें। यह 3-methylobutane-nitrile है, जिसे उन खंडों के संयोजन के रूप में दिखाया जा सकता है जिन्हें हमने अभी सीखा है। सारांश, कार्बनिक रसायनज्ञों के संघ द्वारा नामकरण की एक प्रणाली की स्थापना, जिसे IUPAC के रूप में जाना जाता है। कार्बनिक यौगिक को मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न और पूर्व लग्न के संयोजन के रूप में नामित किया गया है। हमने प्रतिस्थापी के रूप में एल्किल समूहों और प्रकार्यात्मक समूहों को भी सीखा है। चरण 1, एक मूल शब्द निर्धारित करें। मूल शब्द जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। चरण 2, मूल शब्द में एक प्राथमिक अनुलग्न जोड़े। प्राथमिक अनुलग्न का उपयोग मूल श्रृंखला में संतृप्तता या असंतृप्तता की उपस्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। चरण 3, प्राथमिक अनुलग्न में द्वितीयक अनुलग्न जोड़े। द्वितीयक अनुलग्न कार्बनिक यौगिक में मुख्य का प्रमुख प्रकारात्मक समूह को इंगित करता है और प्राथमिक अनुलग्न के ठीक बाद जोड़ा जाता है। चरण 4, मूल शब्द में पूर्व लग्न जोड़ें। कुछ समूहों जिन्हें प्रतिस्थापी कहा जाता है को पूर्व लग्न के रूप में निरूपित किया जाता है।